आइडियल स्टूडेंट स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ ही रहे हैं एक्सरसाइज 14.1, जिसके 5 तक क्वेश्चन हो चुके थे और 6 क्वेश्चन 14.1 एक्सरसाइज के छठा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था कि हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को पढ़े समझे, फिर उसके बाद से ऑटोमेटिक हमारे पास फॉर्मूले है, हमारे इसके अकॉर्डिंग फिगर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, द रेडियस ऑफ द कोनिकल टेंट किस टाइप का है एंड रेडियस हैव ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो हम गिवन डाटा में लिखते जाते हैं। पहले तो बोल दिया कोनिकल टेंट है, तो कोनिकल टेंट कैसा होता है, ये इस टाइप में होता है। ठीक है, ये जो ऐसे टेंट बनते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो उसके ये होता है इतना वाला, ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेंट बनाने हैं। ठीक है, तो उसका रेडियस दिया है, कितना दिया है, 4 मीटर, इट मीन्स आर इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, क्या दिया है, 4 मीटर दिया है, गिवन दिया 4 मीटर आर। एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मैंने बताया ये स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कल में ऐसे बना होता है, कोन टाइप में, जो आइसक्रीम आप कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं ना तो कैसा रहता है, उस टाइप में है। ठीक है, तो जिसका ये हाइट जो होता है ना, ये है, तो उसको स्लैंट हाइट बोला जाता है। वो कितना दिया है, 5, उसको किससे इंडिकेट करते हैं, एल से। ठीक है, वो कितना दिया है, 5 मीटर। ओके, एंड आफ्टर दैट हाउ मेनी मीटर ऑफ कैनवास विड्थ 125 सेंटीमीटर। इट मीन्स जब हम कपड़े लेने जाते हैं ना तो बोलते हैं 2 मीटर का चाहिए या 3 मीटर का चाहिए, हालांकि वो तो एरिया में होता है, लेकिन 2 मीटर कहने का मतलब क्या है, उसका विड्थ फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे इसके लिए मेरा विड्थ फिक्स है कि 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, बट उसका लेंथ कितना लेना है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो हाउ मेनी मीटर ऑफ कैनवास विड्थ 125 सेंटीमीटर विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर 12 टेंट। 12 टेंट को प्रिपेयर करने के लिए कितने मीटर की कपड़े की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसका विड्थ 125 सेंटीमीटर हो तो लेंथ मुझे चाहिए। इफ द कॉस्ट ऑफ कैनवास इज 20 रुपीज पर मीटर, समझ में आ रहा, जिसकी विड्थ इतनी हो और वो 1 मीटर कपड़े के लेंथ का कॉस्ट 20 रुपए हो, 20 रुपीज हो, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 12 टेंट्स। 12 टेंट्स के कॉस्ट कितने होंगे अगर 12 टेंट मैं बनाता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी दिया था वो मैंने लिख लिया, विड्थ भी दिया था वो भी लिख लेते हैं, बी कितना दिया 125 सेंटीमीटर है, तो सब मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि यहाँ रुपीज भी मीटर में ही है। ठीक है, रुपीज जो बोला है मीटर में करके, तो मीटर में कितना होगा, 100 से डिवाइड कर दो तो 1.25 मीटर हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 12 टेंट है उसका टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ प्रिपेयर, एरिया ऑफ प्रिपेयर 12 टेंट्स, किस टाइप का टेंट है वो लिख देते हैं, 12 कोनिकल टेंट। तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, 12 इंटू क्रॉस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होगा। ठीक है, अभी यहां पर देख लो, 12 है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है कोन का, वैल्यू पुट कर दो, 12 इंटू पाई की वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 मीटर है, 4 मीटर इंटू एल की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो कैसे करोगे, 12 अगर मैं करता हूं तो 12 2 = 24 हो गया, 240 में 3.1 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3.14। ठीक है, 4 0 = 0, 4 4 = 16, 1 है, एंड 4 2 = 8 एंड 1 9। ठीक है, 1 0 = 0, 1 4 = 4, 1 2 = 2, फिर 3 से करेंगे, 3 0 = 0, 3 4 = 12, 1 है, एंड 3 2 = 6, 1 7, इसको करो 0, यहाँ 6 आ गया, या 9 4 13 का 3 2 2 4 1 5 एंड यहाँ पे 7, वो दो प्लेस के बाद से पॉइंट है, तो दो प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे, 753.60 कितना आया इसकी वैल्यू, 753.60
मीटर स्क्वायर में आ गए। टोटल एरिया 12 टेंट को बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है, 753.60 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए ना, कितना लेंथ होगा, तो हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ये होता है, समझ में। तो अभी इसकी वैल्यू तो हमें पता है 753.60 इक्वल टू लेंथ हमें नहीं पता है, यही तो हमें चाहिए, ठीक है। इंटू विड्थ कितना है, बोला है 1.25 मीटर। अब ये इधर अगर डिवाइड कर देते तो ये लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट जब इक्वल के इधर आता है तो डिवाइड होता है, प्लस रहता तो इधर माइनस होता, माइनस रहता तो प्लस होता, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड होता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, लेंथ इक्वल टू, ठीक है। डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइड करने का भी तरीका आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, ठीक है। डिवाइड करना भी मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कैलसी नहीं होगी, हाउ टू कन्वर्ट, तो देखो मैं टेक्निक आपको समझाता हूँ, वो टेक्निक आप यूज करके फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि हमें यही थोड़ी लिखना है इतना, ठीक है। तो हम टेक्निक पे आ जाते हैं, क्या टेक्निक है आपके पास, ये डिवाइड करना है 753.60 को 1.25 से, ठीक है, 1.25 से। अब मैं क्या करूं कि 1.25 को ऐसे किसी से मल्टीप्लीकेशन कर दूं, या तो 10 आ जाए, या तो 100 आ जाए, या तो 1000 आए, या तो 10,000 आए, मतलब 100 के फॉर्म में आ जाए, इसमें क्या मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आएगा, सोचो आप, ठीक है, सोचना क्या, 8 बार में अगर करते हैं तो आ जाएगा मेरे ख्याल से, 8 बार में करके देख लो, 8 का मल्टीप्लीकेशन, 1.25 का अगर 8 में मल्टीप्लीकेशन करता हूं मैं, तो 8 5 20 0, 8 2 16 16 2 8 2 16 and 16 8 5 40 होता है, सॉरी यहाँ 8 5 40 का 0 4 है, और 8 2 16 और 16 और 4 कितना हो गया 20, 0 2 है, 8 1 8 and 2 10, ठीक है। दो प्लेस के बाद था, दो प्लेस लगा दिया हमने, आ गया, ठीक है, 10 आ गया। तो मैं ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, इतना समझ में आ गया, ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये वाला वैल्यू कितनी हो जा रही है, नीचे वाली ये 10 हो जा रही है, देखो यहाँ पर 10 है, और इसमें मल्टीप्लीकेशन अगर कर देते हैं हम तो क्या होगा, 8 0 0 8 सी का कितना होता है 48, 8 4 आएगा, फिर बाद में 8 3 24 24 and 4 28 का 8 आया 2, फिर 8 5 40 40 and 2 42 4 आया, फिर बाद में 8 7 56 56 and 4 60, यहाँ पे आ गया आपका 60, ठीक है। कितना वैल्यू आ गया 6028.80। अभी ये 10 है, 10 का डिवाइड करोगे तो ये एक प्लेस इधर आ जाता है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 602.88, मतलब 602.9 बोल सकते हो, तो लेंथ कितना आ गया 602.88, ये तुम्हारा लेंथ निकल गया, ठीक है। तो अभी आगे जो बोला है यहाँ पर कि 1 मीटर कैनवास कॉस्ट इज 20 रुपीज, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, 1 मीटर कैनवास कॉस्ट इज कितना है 20 रुपीज, सो 602.88 मीटर कैनवास कॉस्ट इज, ये इधर मल्टीप्लीकेशन होता है, ये डिवाइड, 1 का डिवाइड मतलब कोई वही वैल्यू होती है, ये 20 × 602.88 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो तो 28 जा कितना हो जाएगा 16, 28 जा 16 17, ठीक है, एंड 22 जा 4, 20 जा 0, 26 जा 12, और ये 10 है तो 10 और इधर ये बढ़ के इधर आ जाएगा, हमारी जो वैल्यू हो कितनी होगी 12047.6, ये क्या आ गया रुपीज में आ गया, तो इतना रुपीज हमें एक टेंट को बनाने में खर्च लगेगा, कितना हो रहा 12,000
47 रुपीज 60 पैसे। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बट आप खुद से जब करोगे ना, जब आप खुद करोगे तो इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे समझा रहा हूँ इतना टाइम लग रहा है, बट आप जब खुद करोगे, ठीक है, जब प्रैक्टिस रहेगी तो ये सब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, 2 मिनट भी बहुत होते हैं, मैं तो पूरा क्वेश्चन को भी समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद से एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ, तो मेरा 7-8 मिनट चला जा रहा है। लेकिन आप जब खुद करोगे ना तो बहुत इजीली बहुत कम समय में 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट में भी कुछ कुछ बंदे कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी ट्राई करते रहिए ताकि आपके जो ये एक एक क्वेश्चन है जो आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वीडियो के क्वेश्चन को देखो, उसके बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता है तो आपके पास सोल्यूशन तो है ही, डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल 14.1 में टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम्पल है उसके मैं नहीं बता रहा हूँ, हाँ अगर किसी को डाउट होता है तो एग्जाम्पल की स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 7359924377 वो क्वेश्चन आप सेंड कर दीजिए, उसका सोल्यूशन हम भेज देंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको पूरा उसका सोल्यूशन आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर 7359924377 इस पर आप, ये मेरा क्या है व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप मतलब स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का भेज सकते हैं या क्वेश्चन भेज सकते हैं जिसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू।